मैं आप लोगों को थोड़ा सा बिटिया के बारे में बता दूं कि ये हमारी मुनव्वर हुसैन साहब है, बहुत अच्छे टीचर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी, मेरे मेंटर भी और हमारे हर दुख सुख के साथी उनकी बिटिया है। और हालांकि बिटिया को जो है किसी के नाम की ज़रूरत नहीं है, अब आप गूगल पर सर्च कर लीजिए बस्ती की बेटी, आपको गूगल बता देगा कि अब ये हमारे देश की प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छा चित्रकारी करती हैं और आपके देश में जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा जी हों या आपके शहर में जितने आई ऑफिसर्स हों, उन सब लोगों की उन्होंने पेंटिंग बनाई है और बहुत सारे लोगों से मिली हैं और बहुत सारे लोगों ने इनके टैलेंट को सराहा है। और हम लोग भी कामना करते हैं कि बिटिया फ्यूचर में एक बड़ी आर्टिस्ट बन के उभरे और पूरी दुनिया में इनका नाम रोशन हो। तो ये आप लोगों से कुछ बताएंगी, क्लास 11 की छात्रा हैं, तो प्लीज़ इनके लिए क्लैप करिएगा। सत्यनिष्ठा के साथ आत्मनिर्भरता को अपनाना है, 2047 तक भारत को विश्व में चमकाना है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फरीजा मंसूरी अपने विचारों के माध्यम से मेरी नजर में 2047 का भारत कैसा होगा इसके बारे में बताने जा रही हूँ। यूं तो भारत शुरू से ही अपने ज्ञान को पूरे विश्व में पहुंचाता आ रहा है और अगर हम बात करें आज के समय की तो भारत की गिनती एक विकासशील देश में भी की जाती है। भारत की इकोनॉमी अपने आप में ही अलग है, इसकी जीडीपी में भी कुछ पिछले कुछ समय में बढ़ोतरी हुई है। और यदि हम कल्पना करें 2047 के भारत की, तो सबसे बेहतर कल्पना यही है कि भारत को आजाद हुए 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। ये बात लहू को बताए रखना, रोशनी होगी बस चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। चलिए अब हम बात करते हैं 2047 में भारत की शिक्षा व्यवस्था की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में प्राचीन समय से ही नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया भर से विद्यार्थी हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने आते थे। और अगर हम बात करें आज के समय की, तो शिक्षक YouTube के माध्यम से बहुत सारे विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं और शिक्षक घर बैठे कम खर्च में अपने परिवार के साथ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और नौकरी भी पा रहे हैं। और आशा है कि 2047 तक भारत का शिक्षा स्तर बहुत ही आगे हो जाएगा, जिससे कि दुनिया भर से विद्यार्थी हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने आएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं 2047 में भारत की कानून व्यवस्था की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में पुरानी कानून व्यवस्था यानी कि ब्रिटिश शासन वाली है, तो अगर हमारे देश में कुछ बदलाव किए जा रहे हैं और अगर 2047 तक जो है अगर ऐसा ही होता रहा तो भारत की न्याय पद्धति में भी सुधार होगा, जिससे कि देश में जुल्म भी कम होंगे एवं नागरिक अच्छे से रह भी पाएंगे। अब हम बात करते हैं 2047 में भारत के तकनीकी क्षेत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत तकनीकी क्षेत्र में बहुत आगे आ चुका है। इंटरनेट के आने से एक प्रकार की क्रांति ही आ गई है। इसके सदुपयोग से बहुत सारे लोगों को नौकरी भी मिली है और इंसान घर बैठे बैठे बहुत सारे कार्य कर सकता है। इसी के साथ साथ हम लोग आजकल के समय में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अगर ऐसे में भारत 2047 तक अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस लाता है तो लोग उसी का प्रयोग करेंगे, जिससे कि भारत तकनीकी क्षेत्र में भी आगे जाएगा। और आखिर में मैं ये चार लाइन कहना चाहूंगी कि संस्कार संस्कृति और शान मिले, संस्कार संस्कृति और शान मिले, ऐसे हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले, रहे हम सब ऐसे ही मिलजुल कर,
और मस्जिद में भगवान मिले। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल स्पीच। सो गाइस,